सेंट्रल स्कूल में मनाया गया 20वां स्थापना दिवस, छात्र छात्राओं ने की शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। मामूली विवाद के चलते भाई को मारी गोली, घायल को किया गया अस्पताल में भर्ती। कानूनी साक्षरता कार्यशाला का आयोजन, लोगों को किया गया जीवन यापन पर जागरूक। अपराधियों में नहीं रहा पुलिस प्रशासन का खौफ, जेसीबी चलाकर तोड़े 3 परिवार। जमीनी विवाद को लेकर की फायरिंग, 5 महिलाएं गोली लगने से घायल। मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां गौनाहा सेंट्रल स्कूल में 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं रूपवालिया पंचायत के मुखिया छोटन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत अव्यवस्था थाना क्षेत्र में चपक गांव में मामूली विवाद में बदमाश ने अधेड़ को गोली मार दी, जिसके बाद जख्मी को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज किया जा रहा है। बता दें, पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। खबर सहरसा से है, जहां बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सहरसा के जिला अध्यक्ष सह राज्य सचिव श्री निरंजन कुमार की अध्यक्षता में संघर्ष दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर संकल्प सभा सह सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा बीईओ बीडीओ और जिला मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष सुदर्शन कुमार गौतम ने कहा कि जब तक शिक्षकों को समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन स्थानांतरण प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा। शुभ अवसर पर आज ही के तिथि में 24 सितंबर 2005 को सड़क से सदन तक लड़ाई के दिशा में संघ पटना के धरती पर अपनी मांगों के समर्थन की, लेकिन सरकार के द्वारा शिक्षकों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, आंसू गैस एवं दंडात्मक कार्रवाई करने का काम किया। उस समय में हम शिक्षकों की 33 माह 11 सम्मान करेंगे भाई, हमें जीत को मंच पर आ जाए 2 सेकंड। ये हम लोग का 17वां संघर्ष दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बाकी रहमानी जी, संजय दिसंबर 2005 की जो हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वही आंदोलन में ये सरकार जो तुगलकी फरमान की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार थी, उसमें जो है मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप मार्ग, जो दिल्ली स्थित एवं स्वयंसेवी संस्था मानवाधिकार के लिए काम करती है, जो आज पश्चिम चंपारण के बलथर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्य नगर में महिलाओं एवं पुरुष के साथ कानूनी साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें संस्था के निर्देशक मोहम्मद नूर आलम ने लोगों के उनके अधिकार एवं जीवन यापन पर जागरूकता करने में ज्ञान वर्धन जानकारी दी। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो जॉब कार्ड बन जाए, अगर जॉब कार्ड बन जाएगा तो फिर वो अपने मुखिया से या ब्लॉक लेवल पे काम का मांग कर सकेंगे और उनको उनका 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा। 100 दिन का काम सरकार गारंटी कर दे और 100 से 120 दिन का काम खेतों में कर लेंगे, इस तरह से साल भर का रोजगार हो जाएगा तो एक तरह से गाँव में खुशहाली आएगी। अगर सभी के पास रोजी रोटी का व्यवस्था खुद का होगा तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जीवन जीने का अधिकार सीखें, रोजगार का अधिकार सीखें
और सम्मान के साथ जीवन जिए। ये हमारे स्कूल का विश्व स्थापना वर्ष है और इसके उपलक्ष्य में हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं और 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गौनाहा का सबसे प्रथम स्कूल था और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा और काफ़ी बच्चों को इस स्कूल ने अच्छे मुकाम पहुँचाया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी सेंट्रल जॉब में है, कोई बिहार गवर्नमेंट जॉब में, कोई टीचर है और आगे भी यह विद्यालय परिवार पूरे बच्चों के भविष्य के लिए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमेशा आज अग्रणी रहेगा। खबर भागलपुर से है जहां पीरपैथी प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के दखली गांव के दबंग दिलीप मंडल और बिपिन मंडल ने अपने ही गांव के 3 परिवार के आवास का घर जेसीबी से तोड़ दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस कड़ाके की ठंड में 3 परिवारों के परिवार कहां जाएंगे और तो और परिवार वालों ने एक चारी थाने में भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की शिकायत थाने में की गई है जिसके बाद भी थाना अध्यक्ष ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। 50 साल से रही थी। 50 साल से आप रह रहे हैं? हाँ। तो भी कब कौन बेच दिया? मेरे मम्मी दिलीप मंडल। आप सब बेचे हैं 50 साल तक में इस जमीन को? किससे खरीदी? ना हमारा नहीं बेचल थी जमीन। आप लोग नहीं बेचे? ना। कौन सा कागज दिखा ले फूर रहा है? कौन देखा? नहीं जाने थे। दिलीप और बिपिन तोड़ दिया। दिलीप और बिपिन आपके मतलब पापा हैं? नहीं, डेट कर गए। तो मतलब क्या कह के आपका घर तोड़ दिया? वो बोला कि मेरा जमीन है, हम तोड़ देंगे। कितना दिन से आप यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत दिन से रह रहे हैं। पुलिस में आप कंप्लेंट किए? कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं करता है वो। कुछ नहीं करता है? और आप सबको अभी भी गाली गलौज करने आता है? आता है, भुज्जा कर देंगे हम तुम सबको। यही बोलता है? गोली से भुज्जा देंगे। तो कितने लोग आते हैं उधर? बहुत लोग आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूँ बिट्टू कुमार। आज हम आए हुए थे कुछ कारणवश एकचारी थाना, उसके बाद यहाँ पे हम आए तो कुछ जनता ने बताया कि यहाँ पे कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने गरीब का इंदिरा आवास का घर तोड़ दिया। सोच लीजिए, यहाँ पे पहले सुनते थे कि यहाँ पे मतलब कि मोहन ठाकुर ये फलाना ढकाना बहुत सारे ग्रुप चलते थे। आज ऐसा हो गया है कि गांव के ही कुछ ऐसे दबंग किस्म के लोग हैं कि गरीबों का आशियाना तोड़ रहे हैं और लेकिन एकचारी थाना को जू तक नहीं आती है। पहले भी उस पर एकचारी थाना के थाना पे मतलब घनु मंडल जो मुखिया है एकचारी के, वो भी कई आरोप लगा चुके हैं लेकिन सोच लीजिए उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और आज देख लीजिए इतना अपराधी का मन बढ़ गया कि बेचारे का घर तोड़ दिया और अभी भी गोली बंदूक लेके बोलता है पीस पीस काट के बना देंगे। अब देखना होगा एकचारी थाना इस पर क्या कार्रवाई करता है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां गोलीबारी का एक मामला सामने आया है जहां सीलिंग की परती जमीन को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। वहीं इस घटना में 5 महिलाएं भी गोली लगने से घायल हो गई हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है जहाँ उनका इलाज जारी है। खबर मोतिहारी से है जहां जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के नरीरगिर चौक के पास चंपापुर रोड स्थित एक ईंट भट्टा की चिमनी के अचानक फटने से हुए हादसे में चिमनी संचालक समेत 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें इस घटना में करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं इस हादसे में करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक
जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखें हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड क्षेत्र के बुसरा गांव में गायघाट सामाजिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में 26 दिसंबर को होने वाली 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित आमरण अनशन को लेकर चर्चा की गई। वहीं मंच के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्य रूप से अचलाधिकारी का अविलंब हस्ताक्षर किया जाए और सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन लगाई जाए। गायघाट सामाजिक मंच की दूसरी बैठक प्रधान कार्यालय भुसरा में संपन्न हुआ। इस बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया कि आगामी 26 दिसंबर से प्रमुख मांगों को लेके हम लोग का आमरण अनशन शुरू होगी। खबर नवादा से है जहां नगर थाना क्षेत्र के गंगौली गांव में सास और बहू में झगड़ा हो गया और सास ने गुस्से में आकर यूरिया खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां महिला का इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने महिला को खतरे से बाहर बताया। अब वही दोनों जा रहेगा सर, सास पुतुल में झगड़ा हुआ। सास पुतुल लड़ाई था। हाँ, तब क्या हुआ? ये हुआ कि खाली खा जाओ क्या? क्या खाई? हाँ। खबर पटना से है जहां स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जो हमको उनके साथ काम करने का अनुभव मिला वह कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे तरीके से मानते थे और सम्मान देते थे। वहीं देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर भी नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग सतर्क हैं और आप तो जानते हैं कि बिहार में जीरो कोरोना के आंकड़े हैं। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध लिया और कहा कि हमको कुछ पता नहीं कि वह दिल्ली पहुंच गए हैं या कहीं और पहुंचे हैं। इस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक MP के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे, हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक एक चीज़ को मानते थे और कितना ज़्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। खबर रोहतास से है जहां भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में आयोजित 12वां महाअधिवेशन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का 3 दिवसीय आयोजन डेहरी अनुमंडल स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्म निदेशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी शामिल होंगे। बता दें यह संगोष्ठी 26 दिसंबर से प्रारंभ होगा जो 28 दिसंबर तक चलेगा। देश भर के लगभग 1200 इतिहासकार यहां पर आ रहे हैं और 26, 27, 28 दिसंबर को 3 दिन तक ये चलने वाला है।
और सभी प्रकार के जो इतिहास की जितनी विधाएं हैं हर विधाओं के इतिहासकार यहाँ पर आएंगे। ये जो महामंथन का जो आयोजन चुम्हार के इस गोपालनाथ सिंह विश्वविद्यालय में हुआ है, ये 3 दिवसीय अधिवेशन है अपना, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कम से कम 1500 से 2000 शिक्षाविद और अपने क्षेत्र के महारथी यहाँ इस मंथन में उपस्थित रहेंगे। उनका सबका हम रोहतास की धरती पर स्वागत करते हैं और 3 दिनों तक अलग अलग जो आपको पत्रक आपके हाथ में आपको जो हमने दिया है उसमें 3 दिनों तक अलग अलग विषयों पे शोध और जो हमारे डिस्कशन पैनल डिस्कशंस के साथ में अलग अलग विषयों के ऊपर मंथन होगा और ये 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा। खबर सुपौल से है जहां महेशुआ पंचायत के वर्तमान मुखिया के पति को बीते नगर पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया था जिससे उनकी पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी को लेकर जिले के मुखिया एवं जिला प्रतिनिधियों महेशुआ पंचायत के वर्तमान मुखिया के घर पहुंचकर मधेपुरा से वीरपुर मुख्य मार्ग NH 106 को जाम कर धरने पर बैठकर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। वर्तमान सरकार से 3 मुख्य मांग है, एक है यहाँ का थानेदार जो थाना अध्यक्ष जो है उनका संदीप कुमार सिंह उनका बर्खास्त किया जाए और जो आरोपी है अपराधी उसको फांसी की सजा दी जाए और निधि यादव जो कि यहाँ महेश्वर पंचायत की वर्तमान मुखिया है इनको सुरक्षा दी जाए। ये रवैया से हम लोग इनकी निंदा करते हैं और इनको जो इनके अपराधी हैं उनको फांसी दी जाए और इन्हें सुरक्षा मुहैया किया जाए। त्रिवेणीगंज प्रशासन का जो रवैया है उसको देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि को आपस में बैठ करके बात करना होगा और हम लोग विज्ञान कॉलेज पे शंखनाद है कल इसका और जब तक इनको और यहाँ जो घटना हुआ है इसमें जो भी संलिप्त है उनको स्पीड ट्रायल के द्वारा फांसी दिया जाए और उनको एकदम थाना से 500 मीटर दूरी पर जनता रोड में पेट्रोल पंप के सामने एक नामचीन क्रिमिनल के द्वारा उनको गोली मार दी गई लेकिन थाना अध्यक्ष के द्वारा कोई इनकी सुरक्षा और कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। लगातार वो हायर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे थे और उनकी कल मौत हो गई पटना के पारस हॉस्पिटल में। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ पाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।